राज्यसभा चुनाव 2022। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा उम्मीदवार परदेसी को भेजे जाने पर विपक्ष लगातार सवाल उठाती रही है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री विपक्ष को जवाब देते हुए क्या कुछ कहा है, बने रहिए मंगल टॉप खबर चैनल में। अलग अलग जगह अलग अलग हो, अभी उत्तर प्रदेश में आज ही सातवें प्रत्याशी के रूप में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के व्यक्ति को उन्होंने कैंडिडेट बनाया है, तो यहाँ उनके अलग नजरिया है, उत्तर प्रदेश में उनके अलग नजरिया है। मैं पुराने उदाहरण नहीं देना चाहूंगा, वर्तमान में भी निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, तो पहले कहाँ से राज्यसभा गई थी, मध्य प्रदेश से, क्या वो मध्य प्रदेश की रहने वाली है? तो राज्यसभा में इस प्रकार से हर राजनीतिक दल, और कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है और अनेक राज्यों से कैंडिडेट भेजते रहे हैं, ये पहला उदाहरण नहीं है। ये बात सही है कि लोग अपेक्षा कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ के भी कोई कैंडिडेट जाए, तो इस समय नहीं हुआ, अगले समय करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्यसभा उम्मीदवारी पर विपक्ष ने क्या आरोप लगाया, सुनिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में कांग्रेस ने दो सीटों में उत्तर प्रदेश और बिहार वालों को भेजकर छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया है। भूपेश बघेल के लिए छत्तीसगढ़िया मान सम्मान और गौरव सिर्फ बातों में ही है, जब नेतृत्व देने की बात आती है तो इधर उधर के राज्यों से नेता आउटसोर्स किए जाते हैं। ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कोई योग्य नेता नहीं है जो राज्यसभा जा सके, या छत्तीसगढ़िया भाई बहनों के साथ छल और धोखा है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि छत्तीसगढ़िया गोबर भी नहीं, परदेसिया राज्यसभा जाही, बाकी सब छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मन बोरे बासे खाही।